वृश्चिक राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे। और भगवान लक्ष्मी नारायण जी से प्रार्थना करते हैं कि आपको सदैव खुश रखे और आपके जीवन में कभी कोई संकट, कभी कोई मुसीबत न आने दे। प्रभु से आपके लिए यही प्रार्थना करती हैं। वृश्चिक राशि वालों, कर्मों के फलदाता भगवान शनि देव जी ने खोला किस्मत का दरवाजा। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, अब आपका किस्मत ही बदल जाएगा और आप कहेंगे वृश्चिक राशि वालों, हे भगवान, हे प्रभु, आपने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। जी हाँ, इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी जो कि प्रभु हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सब कर्मों का ही खेल है। जो जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव जी को कर्मों के फलदाता कहा गया है। भगवान शनिदेव जी को सभी देवी देवताओं में से अलग माना गया है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव जी 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, जिन्होंने अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अच्छा फल मिलता है, और जिन्होंने बुरे कर्म करते हैं, दूसरों को सताते हैं, दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को दंडाधिकारी भगवान शनिदेव जी 7 जन्मों तक माफ नहीं करते हैं और उन्हें उनका बुरे कर्मों का दंड देकर ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे केवल इतना ही अनुरोध करेंगे कि आप अपने जीवन में गलत रास्ते पर मत चलना, बुरे कर्म कभी नहीं करना, नहीं तो दंडाधिकारी भगवान शनिदेव जी आपको नहीं छोड़ेंगे, उनसे आप नहीं बच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भगवान शनिदेव जी आपके किस्मत का दरवाज़ा खोल दिए हैं तो कौन कौन से बड़ी खुशखबरी, कौन कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल होंगी, उसके लिए आज के दिन आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, A to Z कार्य से लेकर उपाय तक सभी जानकारियां इस वीडियो के अंदर दिया गया है, आप अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले भगवान शनिदेव जी के जो भी सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। भगवान शनिदेव जी आपको दिन दुगुनी रात सुगुनी तरक्की देंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, भगवान शनिदेव ने खोला किस्मत का दरवाजा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल होंगी, अब आपके किस्मत की रफ्तार हाई स्पीड से उड़ान भरेगी। जी हाँ दोस्तों, हर जगह आपको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलेगा, धन कमाने के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं और व्यापार करने वाले लोगों के लिए समय काफ़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें अपने व्यापार में काफ़ी लाभ होने वाला है। आपको अपने व्यापार में कुछ नए उपकरणों को शामिल करने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपको जो है चेहरे की चमक देखकर शत्रु भी हैरान रहेंगे। इसके उपरांत सामाजिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपकी छवि और निखरेगी। लेकिन दोस्तों, आप अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें। जी हाँ, नहीं तो दोस्तों वो समस्याएं आपकी बढ़ सकती है और आपके लिए कोई बड़ी बीमारी लेकर आ सकती है। इसलिए दोस्तों, छोटी मोटी तकलीफ ही क्यों ना हो, उसे तुरंत डॉक्टरों से दिखाएं और उनसे सलाह मशवरा ज़रूर करें तो ये आपके लिए उचित होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज आपको संतान का पूरा पूरा साथ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ व्यवसाय संबंधित मामलों को मिल बैठ कर सुलझाना होगा, और यदि आपने बिजनेस के लिए भी कुछ प्लानिंग की हुई है तो उसमें आगे बढ़ें, नहीं तो वो और लटकती चली जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, परिवार में आज आपके दिए हुए सुझावों का स्वागत होगा और लोग आपकी बात मानते हुए नजर आएंगे, जिससे आपको काफ़ी खुशी महसूस होगी।
जी हाँ दोस्तों, सभी कोई लोग आपका बात मानेंगे और सपोर्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके खर्चे बढ़ने से आप थोड़े बहुत परेशान रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपको थोड़ा सा सोच समझकर ही खर्च करना होगा, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। जी हाँ, और प्रेम जीवन जी रहे लोग आज किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है। जो लोग किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनकी वो इच्छा आज पूरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, समय अभी अनुकूल है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, नए कामों की खोज कर रहे हैं, तो वो इच्छा आज उनकी पूरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको आज अपने मन की इच्छाओं को अपने पिताजी से जाहिर करने का मौका मिलेगा, इससे आपका मानसिक बोझ भी कम होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई बहुत दिनों से बात था जो नहीं कह पा रहे थे, तो आज आप दिल खोलकर कह सकती हैं, जो कि आपका बात वह बन सकता है। जी हाँ, इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आय में वृद्धि लेकर आएगा। जी हाँ, और आपकी आय बढ़ने से आर्थिक स्थिति को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप अपने कुछ पुराने कर्जे भी आसानी से उतार पाएंगे, लेकिन दोस्तों आप अपने कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का बात पूरा पूरा मान रखते हुए उनकी जो है बात समझें, तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। यदि आपने अपनी चलाई तो आपसे कोई गलती हो सकती है। जी हाँ, और आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए दोस्तों आपको अभी अपनी मनमानी नहीं करनी है। एक दूसरे जैसा कहता है उसी पर अभी आपको कार्यक्षेत्र में चलना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका किसी नए वाहन अथवा मकान की खरीदारी का सपना है तो वो भी पूरा हो सकता है। जी हाँ, और वो संतान द्वारा आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका पूरा घर ही गदगद हो जाएगा, खुशी से नाचने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको खुद को संभालना होगा, नहीं तो दोस्तों खुशी में आकर आप अपने दिल की भी बात एक दूसरे को बता देंगे, जो कि आपके लिए आगे चलकर परेशानी खड़ी हो सकती है। बस इस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है और सोच समझकर ही बात करना होगा, ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचने के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका अगर कोई फैसला है तो जल्दबाजी में नहीं लेना है, इतना ध्यान रखना है। आप यदि किसी समस्या के भविष्य से संबंधित कोई फैसला लें तो उसे बहुत ही सावधानी से लें, नहीं तो आपसे कोई बड़ी चूक हो सकती है। और अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए जो है अजनबी का आगमन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने आसपास रह रहे कुछ इर्ष्यालु व झगड़ेलू लोगों से सावधान रहना होगा, नहीं तो वो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपका कोई शत्रु आज आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर सकती हैं, जिनसे आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर लापरवाही करेंगे तो परेशानी में ही आप ही पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको अभी बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रहना होगा। बाकी समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर इन जानकारियों से आप सहमत हैं, जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, दिन आपका शुभ।